जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी क्लास टेंथ में केसी सिन्हा किताब से एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था, जो कि चैप्टर त्रिकोणमिति है, जिसमें 8.2 में हम एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बताए नहीं होंगे, पूरा बताना है, ये एक दिन पहले लिखा हुआ था, लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि अगर आते भी हैं कि चलते हैं भाई आपके लिए थोड़ा सा क्लास बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं, तो हम मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। मोबाइल इतना हीट हो जाता है, अपने आप इतना हीट हो जाता है कि रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाता है, कैमरा काम करना बंद कर देता है। तो 2-3 दिन से आपको क्लास नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए क्या कहें, माफ़ कर दीजिएगा। अब ऐसा सिचुएशन ही हो जाता है कि इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं, जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं वही हीट हो जाता है पूरा एकदम, और जहाँ पे हम करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको क्लास टाइम पे नहीं मिल पाया होगा, तो इसके लिए आई एम सॉरी, क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे, चौथा देखो बताना था, हम लिखे भी थे लेकिन वही कहे ना कि लाइट कट जाता और गर्मी इतना ज़्यादा कि बता नहीं पाते थे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। अभी जो फ़िलहाल ये एक्सरसाइज चल रहा है, इसमें पूरा फोकस मेरा है इस बात पर, कौन से बात पे फोकस है, कि हम आपको मान याद करा दें, बस हम पूरा के पूरा इसी बात पर फोकस किए हुए हैं कि किसी तरह से आपको मान याद करवा दें, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और बहुत ज़्यादा ऐसा है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिग्री आपको याद रखना है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, थीटा तो फिक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। अब जैसे साइन 0 डिग्री का मान, तो कह रहे हैं कि याद रखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब एक चीज़ और कहते हैं कि साइन थीटा के कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस थीटा, बोले भी होंगे, देखिए हम क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, हर चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिए, कह दिए, रट लो, याद कर लो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, जितना किताब में लिखा उतने, अरे बहुत कुछ आपको बताया जाता है कि जैसे साइन है तो साइन के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो साइन के आगे सिर्फ लगा दो CO का मतलब क्या हो गया, CO का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट, यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट, बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है साइन थीटा और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कॉस थीटा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, तो साइन और कॉस अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसका थीटा भी कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब साइन के थीटा और कॉस के थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या, जितना साइन 0 डिग्री का मान है उतने ही कॉस 90 डिग्री का मान होता है, क्यों, अरे साइन का थीटा और कॉस का थीटा जोड़कर 90 डिग्री हो जाना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो अगर साइन में तुमको 3 मान याद है तो कॉस का 3 को याद हो जाएगा, जैसे साइन 90 डिग्री का 1 है तो कॉस 0 डिग्री का 1 है, अब जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का, तो ये 3 गो मान तो याद हो जाना चाहिए, बाकी रहता है 2 गो मान, जैसे साइन 30 डिग्री का मान याद कर लो 1/2 और साइन 60 डिग्री के मान याद कर लो √3/2, बस। अब जरा ये ध्यान दो कि जो साइन 30 डिग्री का मान है, जो साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, तो वही हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, साइन के अगर 30 डिग्री है तो वही वाला कॉस के होगा 60 डिग्री, और जो साइन 60 डिग्री का मान है वही कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इतना दे दिए, बाकी टेन वाला मान, तो टेन का 0 डिग्री अगर कहें तो साइन बटा कॉस मान लो, टेन थीटा मतलब सूत्र होता है साइन थीटा, जैसे टेन थीटा बराबर सूत्र है कि साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे, बार बार सिर्फ इसलिए लिखते हैं जैसे कि आपको याद हो जाए, तो 0/1 मतलब 0 और यहाँ 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 1/√2 कट गया तो 1, इधर 2/2 अगर कट जाएगा तो ऊपर से 1 और नीचे से बच गया √3, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3,
सॉरी टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू, टेन साठ का मान अगर देखें तो दो से दो कट गया तो बच गया कितना, रूट अंडर थ्री। बस इतने तो याद करना है, इतने याद करना है, बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो याद नहीं करना है। इसी को उलट फिर करके लिख देना होता है, ऐसा नहीं कि उसको भी रटे की ज़रूरत है। चौथा के पहला नंबर क्वेश्चन, चौथा के पहले नंबर क्वेश्चन में है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा भी देख लेते हैं, एक बार में दो दो क्वेश्चन कवर करते हैं। कॉस ए का स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए पहले यही तीनों प्रॉब्लम को देखते हैं, सॉरी दो प्रॉब्लम को देखते हैं। मान तो आपको वहाँ से ही बैठाना है, जैसे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यहाँ से देख कर लिखना है, 10 बार 20 बार 25 बार देख के लिखोगे याद हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री के मान कितना, एक बटा दो गुने कॉस 45 डिग्री ढूंढना है। कॉस 45 डिग्री कितना है, सॉरी कॉस ही बुला रहे हैं, हाँ तो कॉस 45 के भी तो वही मान है जो कि साइन 45 के मान होता है, एक बटा रूट दो प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस है और कॉस में 30 डिग्री के मान चाहिए तो रूट थ्री बटा दो गुने साइन 45, तो साइन में 45 डिग्री के मान एक बटा रूट दो। अब हम यही कहेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, दो रूट दो, चलो दो रूट दो लिख दिए, यहाँ से बच गया एक और इस जगह से बच गया रूट थ्री। अब इतने लिख के छोड़ दो या फिर आंसर लाने के लिए आपके पास एक उपाय है कि रूट दो से उपरोम गुना रूट दो से नीचे भी गुना, अगर ऊपर गुना करेंगे तो रूट दो और ये हो जाएगा रूट छः, रूट दो से गुना करेंगे तो रूट दो और ये हो जाएगा रूट छः, नीचे हो जाएगा रूट दो सिर्फ दो मतलब चार। तो ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर होगा वही वाला होना चाहिए, क्यों, नीचे परिमेय होना चाहिए आंसर, यहाँ पे परिमेय नहीं था मतलब रूट में नहीं आना चाहिए, इसलिए आंसर ठीक है गलत नहीं कह सकते लेकिन इससे बेहतर आंसर वो वाला होगा। था तो कुछ नहीं सिर्फ जोड़ घटाव था, थोड़ा सा फोकस अगर करते ध्यान से देखते आपको समझ में आ जाता, जैसे कॉसेक 30 डिग्री, अब कॉसेक 30 डिग्री का तो वहाँ पे मान भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉसेक का उल्टा क्या होता है ये समझना है, कॉसेक के उल्टा आप कहेंगे ये कहिया पढ़ा है, हम ये सब बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, जैसे साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ टेन थीटा है, जब लाल बटा कक्का पढ़ा रहे थे तो याद होगा टेन थीटा के नीचे कौन आता था कॉट थीटा और कॉस के नीचे कौन आता था साइन थीटा और साइन के नीचे क्या होता था कौसेक, यानी साइन के उल्टा क्या है कौसेक, या फिर बोलो कौसेक के उल्टा कौन है साइन। तो अगर कौसेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो मत निकालो, सिर्फ साइन 30 डिग्री देखो, साइन 30 डिग्री के मान मतलब मान कितना एक बटा दो, इसको पलट दो मतलब पलट देंगे तो सिर्फ दो हो जाएगा, लिखो दो के स्क्वायर गुने टेन 45 के मान तो वन होता है, वन के स्क्वायर भी वन है माइनस सेक 60। अब सेक 60 डिग्री के मान मत लिखो, क्यों, क्योंकि सेक के उल्टा क्या होता है कॉस, तो सेक को पलट दो, सॉरी सेक का तो माने निकालना था, कॉस को पलट दो। अब देखो सेक 60 डिग्री चाहिए, सेक 60 सेक तो है ही नहीं तो कोई बात नहीं, कॉस 60 डिग्री देखो ना भाई बटा दो इसी को चेंज कर दो मतलब पलट दो, यानी दो के स्क्वायर देखते हैं, इधर दो के स्क्वायर चार, एक तो क्या रह गया ये चार, चार से चार घट गया तो कट के कितना आंसर हो गया जीरो, यानी पहला दूसरा तो बन गया, तीसरा चौथा देखते हैं। इसमें है कुछ नहीं, इतना धीरे धीरे सिर्फ इसलिए बताते हैं जिन्हें कि आपको मान याद हो जाए, अगर मान नहीं याद करवा पाए तो कोई फ़ायदा थोड़ा है,
ये पूरा एक्सरसाइज में इतना प्रॉब्लम इसलिए दिया जाता है जिससे कि आपको मान याद हो जाए। अब पता चला कि मान ही नहीं याद हुआ, आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे आप कितना बार उसको लिख लिख के बनाइएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसको लिख लो, बार बार यूज करो, इस्तेमाल करते करते याद कर लो। थर्ड नंबर में है 2 sin² 30° इंटू 10 60° माइनस 3 cos² 60° इंटू sec² 30° चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 60° इंटू sec 45° प्लस 10 60° इंटू sec 30° कहाँ चले गए हम, गलत क्वेश्चन उतार दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में 10 60 नहीं, फिर 10 30 है, sec 45 है, 10 60 है। अरे यार गलती उतर गया, चलो तो चौथा लिख देते हैं यहाँ पे, अब गलती हो ही गया। तो चौथा नंबर 10 60° इंटू cosec² 45° और प्लस में sec² 60° 10 45° देखिए। और हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं या फिर कहे कि आपकी मनसा को हम समझ सकते हैं। बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड देखते ही बुतरू लोग भाग जाता है। सर देखो क्या करें, हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करें करवा रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट सिर्फ ये देखता है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। इस तरह से आपको बताया जाए कि क्वेश्चन नहीं बचे। ऐसा नहीं कि मान लो कि हम भविष्य में कभी अगर स्मार्ट बोर्ड ले भी लेते हैं और एक ही क्वेश्चन को बार बार बता रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, या फिर कहिए कि आपका एक्सरसाइज भी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो वो अच्छा बात है। वो आप क्षणिक भर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन जब वास्तविकता से आपका सामना होगा उस वक्त आपको पछतावा होगा या फिर आप हमको बुरा भला का होगे। इसलिए कंटेंट पे ध्यान दीजिए। पढ़ने वाला स्टूडेंट सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देता था, इस बात पर नहीं कि बोर्ड कौन सा है। आज तो ये है, हम लोग तो वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़े थे, चौक वाला पे। खैर समय के साथ हम भी अपडेट होंगे, लेकिन फिलहाल देखिए इसमें 2 sin 30° का मान ढूंढना। अब sin 30° के मान कितना होगा, तो 2-3 बार लिखोगे, बार बार कह रहे याद हो जाएगा। sin 30° का मान 1/2, तो लिखो 1/2 के होल स्क्वायर गुने में 10 60° के मान। अब 10 60° के मान कितना हो जाएगा, √3, जब बैठा दो √3 माइनस 3 गुने cos² 60° तो cos 60° के मान कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 के होल स्क्वायर और गुने में sec 30°। अब sec 30° तो sec तो यहाँ लिख लेने, कोई बात नहीं, cos 30° के जो मान दिखाई दे रहा है इसी को पलट दो, यानी 2/√3 और इसका होल स्क्वायर। अब लिखिए 2 × ये हो गया 1/4 और गुने √3 माइनस में 3 × इसको लिखेंगे 1/4, और हालांकि 2 के स्क्वायर है तो 4 और नीचे सिर्फ 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 पार, 3 से 3 पार, इधर देखे तो 2 × 4 तो हो गया √√3/2 माइनस 1। इसको हल करना है तो हल करो, तो हो जाएगा √3 − 2/2। नीचे ऐसे भी रूट नहीं है तो आंसर यही वाला हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि चौथा तो ज़्यादा नीचे लिखा गया है। चलिए पहले चौथे देख लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर 10 60° आपको ढूंढना पड़ेगा, 10 60° का मान, 10 60° कितना है √3, यहाँ पर लिख दो √3। फिर cosec 45°, अब यहाँ पर cosec 45° तो है लेकिन कहाँ, यहाँ ढूंढोगे तो तुमको मिलवेन करेगा,
तो हम कहते हैं कौशिक के उल्टा कौन होता है साइन, मतलब साइन 45 डिग्री को पलट दो तो 1/√2 को पलट देंगे, यानी √2 के स्क्वायर हो गया प्लस में सेक 60 डिग्री। अब देखते हैं सेक 60 डिग्री के मान कहाँ से रखें, तो सेक 60 डिग्री आप ये सोचिए कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 60 डिग्री के मान देख लो 1/2 कॉस है ना भाई 60 डिग्री, इसी को पलट दो, 2 ऊपर चल गया और 2 ऊपर जाके होल स्क्वायर हो जाएगा गुने में टाइन 45। और टाइन 45 के मान तो 1 होता है, जरा इधर देखें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी 2 हो गया और √3 और यहाँ 2 के स्क्वायर 4। बहुत 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 ज़्यादा अगर दिमाग चलाओगे तो क्या करोगे, दोनों में से 2 कॉमन, यहाँ से √3 बच जाएगा और प्लस में 2, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो यही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, टेन 30 डिग्री, तो ढूंढना होगा टेन 30 डिग्री का मान। देखो टेन 30 और टेन 60 दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, जैसे अगर टेन 60 डिग्री याद है √3 तो टेन 30 डिग्री उसका उल्टा होगा 1/√3। 2-3 बार इस्तेमाल करोगे ना, मान लो 20 बार इस्तेमाल किए तो याद हो जाएगा सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो सोचो कि सेक 45 जो है सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का। तो कॉस 45 डिग्री यह है ना, कॉस 45 डिग्री, इसी के मान को पलट दो, √2 को ऊपर भेज दो प्लस में टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री के मान कितना होगा देखते हैं, टेन 60 डिग्री टेन है और 60 डिग्री है, तो टेन में 60 डिग्री के मान कितना हो गया √3, तो टेन 60 डिग्री के मान हो गया √3। उसके बाद है सेक 30 डिग्री, अब देखते हैं सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री कहाँ से मान निकालेंगे, मत निकालो, आप एक काम करो कॉस 30 डिग्री सोचो, और कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री को पलट दो, 2 ऊपर √3 नीचे, √3 से √3 कैंसिल, इधर देखें तो √2 अब बटा में √3 प्लस नहीं कुछ, तो यहाँ पे 2 बच गया, इसको भिन्न के जोड़ बनाना है तो बना लीजिएगा, ये हो जाएगा √2 और प्लस में 2√3 और बटा में √3। बाद में रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, अगर नहीं गुना करते तो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत कह रहे हैं हम, लेकिन जो आंसर के परंपरा चलते आ रहा है कि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए वो ज़्यादा बेहतर है, इन्हें कह रहे कि यही वाला गलत है या वो सही है, दोनों ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा था, ये सब चीज़ों को मैं चाहते समझाने के लिए। देखिए मैथ है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। 6वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा में है कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। 7वां नंबर क्वेश्चन, 4/3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos² 60 डिग्री 3/4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देखिए
देखना क्या है आपको, मान बैठाना है जैसे कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान ढूंढना, कॉस 30 डिग्री। एक चीज़ याद रखना कि कॉस 30 डिग्री का मान उतना ही होता है जितना कि साइन 60 डिग्री का मान होता है। मतलब अगर साइन 60 याद है तो कॉस 30 डिग्री याद हो जाएगा, √3/2। और कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान तो सेम ही है, 1/√2 माइनस में। साइन 30 डिग्री तो आपको याद करना ही पड़ेगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुने साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा, अभी तो बोले साइन 45 कॉस 45 का मान सेम होता है, 1/√2। चाहो तो इसको लिख सकते हो √3/√2 और माइनस में 1/√2। बाद में अगर जोड़ते भी हैं तो दोनों कैल्सियम कितना हो जाएगा, 2√2। ये तो रह गया √3 और माइनस 1, यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं 4/3 tan²30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री का मान ढूंढना, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री यही तो दिखाई देगा, 1/√3, तो 1/√3 के होल स्क्वायर और प्लस में sin 60 डिग्री का मान। अब sin 60 डिग्री का मान, तो sin 60 डिग्री, साइन में 60 डिग्री ढूंढो, √3/2, और √3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा -3। cos²60 डिग्री, cos में 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 3/4। tan²60 डिग्री का वैल्यू है √3, तो √3 के होल स्क्वायर माइनस में 2। tan 45, तो tan 45 के मान 1 हो गए, इवन ही रह जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो 4/3 गुने 1 स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल, प्लस ये स्क्वायर की वजह से सिर्फ 3 आ नीचे हो गया, 4 - 3 गुने 1 स्क्वायर, 1 का 2 के स्क्वायर, 4 + 3/4 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल सिर्फ 3 और माइनस में 2। इन सब को हल करो, देखिए इधर तो 4/9, इधर 3/4 -3/4 और +9/4 -2। हालांकि दो चीज़ तो ऐसे ही कट गया, 3/4, 3/4, बाकी जो बच गया वो 4/9 है, 9/4 और 2 है, तीन सबको जोड़ने के लिए काम करो। 9, 4 कैल्शियम, 36। नौका कई बार पढ़ें कि 36 आ जाएगा, 4 बार, यानी अगर नीचे हम 4 गुना करते हैं तो ऊपर भी 4 गुना करेंगे, तो कर दो 4। ऐसे देखो, थोड़ा सा अगर कंपटीशन लेवल के आप स्टूडेंट रहते तो इसको ये कहा जाता है ना कि इसमें हम गुना कर देते हैं कैसे, 4 से, जब ये 36 हो जाए, इसमें गुना कर देते हैं कैसे, 9 से, जब ये 36 हो जाए, और यहाँ डायरेक्ट भागा देते हैं कैसे, 36 से। अब सबके नीचे में 36 हो गया, तो इसके ऊपर भी गुना कर दो 4 से, क्योंकि यहाँ अपने मन से 4 से गुना किए थे, और यहाँ 9 से किए, तो ऊपर भी गुना कर दो 9 से, और यहाँ गुना कर दो 72 से। ये कंपटीशन में होता है, यहाँ पर आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइएगा, ये ज़्यादा आसान होता है। 36, 36, 36, तो डायरेक्ट हो गया 4 जगह 16 और 9 में 81, मतलब 16 + 81 और -72 × 144, 97 - 144। अब घटा के देख लो जो आ जाएगा वही आंसर होगा, घटाओ तो आता होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां थोड़ा सा बड़ा है इसलिए के वो बताएंगे। tan²60° + 4cos²45° + 3sec²30° + 5cos²90° / cosec
थर्टी डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर थर्टी डिग्री। अब थोड़ा बहुत कहीं अगर गुना जोड़ घटाव में गलती हो जाए तो इन सब गलतियों को हम ये नहीं कहते कि एकदम इग्नोर करो, लेकिन थोड़ा सा हम मेरे जज्बातों को भी समझो कि जोड़ घटाव में गलती हो ही जाता है हमसे। अब जैसे टेन साठ डिग्री का मान है, बड़ा बड़ा हिसाब में गलती नहीं होगा हमसे, जोड़ घटा गुना भाग यहीं पे प्रॉब्लम होता है। टेन सिक्सटीन रूट थ्री तो रख दो रूट थ्री के होल स्क्वायर प्लस में फोर इंटू कॉस पैंतालीस, कोस पैंतालीस और साइन पैंतालीस दोनों का मान तो सेम होता है, एक बटा रूट दो तो एक बटा रूट दो के होल स्क्वायर प्लस थ्री सेक थर्टी डिग्री। अब कह रहे हैं ना कि सेक थर्टी डिग्री तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे? कॉस थर्टी डिग्री का मान जानते हो कि रूट थ्री बाई टू होता है, कहेंगे यहू नहीं जानते। तो देखो कॉस थर्टी डिग्री का मान उतना ही होता है जितना साइन साठ डिग्री का होता है, कॉस थर्टी डिग्री मालूम है तो सेक के लिए पलट दो, मतलब लिख दो दो बटा रूट थ्री इतना के होल स्क्वायर फाइव इंटू कॉस नब्बे का मान, तो कॉस नब्बे का मान जीरो होता है, देख लो कॉस नब्बे का मान जीरो बटा कॉसेक थर्टी डिग्री। अब कॉसेक थर्टी डिग्री कहाँ से निकाले? साइन थर्टी डिग्री मालूम है ना, इसी को पलट दो दो ऊपर चल जाएगा प्लस में, सेक साठ डिग्री तो सेक साठ डिग्री कैसे निकलेगा भाई? देखो कॉस सिक्सटी डिग्री का मालूम, कॉस साठ के मान तो जानवे करते, इसी को पलट दो। अब कोई कहेगा कॉस साठ भी नहीं जानते, तो देखो कॉस साठ डिग्री का मान उतना ही होता है जितना कि साइन थर्टी डिग्री के मान होता है, माइनस में कॉट थर्टी डिग्री। अब कॉट थर्टी डिग्री कहाँ से निकालेंगे? तो कॉट थर्टी डिग्री का मान निकालना नहीं है, टेन थर्टी डिग्री को पलट दो यानी सिर्फ रूट थ्री के स्क्वायर, इधर देखते हैं सिर्फ थ्री हो गया ई फोर बाई एक बटा दो हो गया प्लस में थ्री इंटू दो बटा सिर्फ तीन हो गया और प्लस पचास बटा में देखते हैं, सॉरी पचास बोल दिया, पाँच गुने जीरो तो जीरो होता है। अब यही सब देखो पाँच गुने जीरो पचास होता है, अब नया नया क्या करें, कहेगा तू सब भी बोलो कौन मास्टर है, पाँच पाँच गुने जीरो पचास बताते, दो दो चार बताते नहीं यार, हमको ध्यान नहीं देते हैं, गलती हो गया ये तो कैंसिल, दो दो चार तीन से तीन, ध्यान से देखिएगा तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात हो गया नीचे कितना एक, तो सात बटा एक, मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि सात हो गया। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, उसको भी क्यों छोड़े। नौवां फाइव साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री माइनस फोर इंटू टेन स्क्वायर थर्टी डिग्री बटा में टू साइन थर्टी डिग्री टू कॉस थर्टी डिग्री प्लस टेन फोर्टी फाइव डिग्री। देखते देखो फाइव तो फाइव है, साइन थर्टी डिग्री के मान इतना देर में तो याद हो गया होगा कि साइन तीस के मान कितना होता है एक बटा दो, तो एक बटा दो के होल स्क्वायर। कॉस पैंतालीस डिग्री के मान वो भी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कॉस पैंतालीस और साइन पैंतालीस दोनों का मान सेम होता है, एक बटा रूट दो, तो एक बटा रूट दो के होल स्क्वायर माइनस में फोर इंटू टेन तीस डिग्री के मान, टेन तीस डिग्री के मान यहाँ पर है एक बटा रूट थ्री, तो एक बटा रूट थ्री के होल स्क्वायर हो गया बटा
2 × sin 30° के मान, अभी तो ऊपर लिखे थे 1/2 cos 30° के मान, देख लो cos और 30° के मान, cos 30° का मान उतना ही होता है जितना sin 60° के मान होता है, √3/2 और प्लस में tan 45° 1, हल करते हैं तो 5 हो गया गुने 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4/2, क्योंकि एक में गुना करो तो 4 या नीचे सिर्फ 3 बटा, ये तो कैंसिल, बाकी बच गया √3/2 और प्लस 1, इधर भी कोई फ़ायदा नहीं काटने से, काम करो एलसीएम ले लो, तो 4 × 2 = 3 के एलसीएम कितना 12। फिर बोले वही कंपटीशन वाली बात कि 4 × 2 = 3 के एलसीएम 12, 12 बनाने के लिए क्या करोगे यहाँ, अपने मन से 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से गुना कर दो, इसमें कैसे गुना 6 से, तो यहाँ भी 6 से, इसमें कैसे 4 से, तो ऊपर भी 4 से, ज़्यादा आसान होता है अगर कंपटीशन में आप रहते तो ज़्यादा आसान होता है, डायरेक्ट 12 यानी ऊपर की टेंशन है ख़त्म, डायरेक्ट 15 प्लस 6 माइनस 16 और बटा में 12 झंझटे ख़त्म हो जाता है, नीचे इसके नीचे 2 है इसके नीचे 1 है तो इसको भी 2 बना तो ऊपर भी 2 से गुना, ये जाते 1 गुना करे चाहे नहीं करे, तो इस जगह एलसीएम हो गया 2, इधर गया √3 लेकिन इधर हो जाएगा 2 × 2 = 12 यानी पूरा मिला जुला के देखो तो 21 में 16 गया तो 5 यानी 5/6 × √3 + 2, आप इतने छोड़ दो या तो फिर गुना उना करके आंसर लिखो, जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि ये एक्सरसाइज हम इसलिए बता रहे हैं कि पूरा एक्सरसाइज बताते बताते आपको हम मान याद करवा दें, हम जोड़ घटाव या गुना भाग आपको नहीं सिखा रहे, आपको लग रहा होगा ना क्या जोड़ घटाव गुना भाग की टाइम पास कर रहा है मास्टर, ऐसा बात नहीं यार, हम आपको मान याद करवा रहे हैं, ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म होते होते पूरा प्रयास मेरा रहेगा, देखो 90% मेरा कोशिश, 10% आपका भी तो मेहनत होना चाहिए, आप अगर याद ही नहीं करना चाहते, अगर कोई विद्यार्थी याद करना ही नहीं चाहे तो कोई टीचर उसको याद नहीं करवा पाएगा, याद तो दूर की बात है, कुछ समझाना या पढ़ाना ये भी बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, याद तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ तक कि टीचर पढ़ा नहीं आ पाएगा आपको अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो ये एक्सरसाइज में मेरा प्रयास है कि आपको याद करवा दें, लेकिन 10% आपका भी इफर्ट होना चाहिए कि आप भी याद करें, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके लिए। हाँ, जाते जाते चेक करने के लिए होमवर्क भले ही दे सकते हैं, देखते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं या देख के लिख रहे हैं, जो भी आपका दिमाग कितना चलता है वो देखते हैं, वो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तेज है, जैसे कि सिंपल अभी तक तो हम पूछे नहीं आपसे लेकिन अब पूछते हैं कि कौशिक 0° का मान बताइएगा बस, और जाते जाते सेक 90° का मान बताइएगा बस, पहले नंबर में कौशिक 0 और दूसरा नंबर में सेक 90, आप यही दोनों के मान बताइए ना, यहीं से तो समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, क्योंकि नहीं समझने का तो सवाल ही उठता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप जानबूझ के आंसर नहीं बतावे या कमेंट नहीं करना चाहते वो बात अलग है, लेकिन हम जितना बता रहे हैं कि हमको खुद पे भरोसा है कि हम मान समझा दे रहे हैं याद भी करवा दे रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि क्लास आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पहले से सब्सक्राइब कर लें यार वो लाइक कर दो शेयर कर दो ठीक है, और कमेंट तो करते ही हैं ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास।